हेलो फ्रेंड मैं हूं इमरान और स्वागत है आपका आई ए एस पी सस में फ्रेंड जैसे कि हमारा वॉकएफ़ का सेक्शन ये डेली चलता है दस से ग्यारह के बीच ये डेली वीडियो आता है दस ग्यारह बजे सुबह ठीक है और अगर इसमें आज हमने कुछ नया करने की कोशिश की मैंने ई फ्रेसेस शुरू किए हैं मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको वन वर्ड्स भी कराऊँगा एंटोनी मोजनोनी भी कराऊँगा और ईडीम फ्रेसेस भी कराऊँगा तो मैं उसी कड़ी में यह तीसरा वीडियो लेकर आऊँ तीसरे टाइप का तो ये ईडियम फ्रेसेस का ये हमारा पहला पार्ट है ठीक है इसमें कम से कम लगभग बीस तीस ईडियम फ्रेसेस होंगे इसके बाद प्रैक्टिस सैटी मैंने दस ग्यारह क्वेश्चन लिए हैं दस ग्यारह क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो वो भी करिए और फिर मैं ये कंटिन्यू रखूँगा ईडियम फ्रेसेस एक दिन वन वर्ड्स और फिर सिनोनिम्स ऐसे कंटिन्यू मतलब दो दिन ये दो दिन ये दो दिन ये जब तक सीजल चलेंगे तब तक मैं ऐसे लाता रहूँगा जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपके लिए हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है इस चैनल में हर एग्ज़ाम के लिए मिलेगी और ख़ास कर सीजल के लिए तो मैं करवा रहा हूँ तैयारी और वीडियो को शेयर कीजिए ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा पहला आईडी में हमारा टर्न ओवर ए न्यू लीफ इसका मतलब होता है बुरे आचरण छोड़ अच्छी दिशा में पूर्ण रूप से बदलना मतलब बुरा काम छोड़कर अब हम लोग चेंज हो गए अच्छे के लिए ठीक है तो मतलब इसका ऐसा आएगा आपको ऑप्शन टू बी एंटायरली चेंज मतलब पूरी तरह से चेंज हो जाना किसके लिए अच्छे के लिए हो जाना ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टर्न द कॉर्नर मतलब होता है किसी कार में आए संकटपूर्ण स्थिति से ऊपर जाना मतलब बहुत परेशानी में थे अब वो उबर गए मुझसे आगे निकल गए ठीक है टू पास थ्रू ए क्रिटिकल पॉइंट इन ए प्रोसेस ठीक है नेक्स्ट हमारा है टर्न टल्टल मतलब उलट पलट जाना जैसे कछुआ उलट पड़ जाता है उसी जगह टर्न टल्टल मतलब उलट पड़ गया जैसे कि ओवर टर्न ठीक है टू, टू ओवर टर्न नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थ्रू आउट वो थ्रू आउट ऑफ ए गियर मतलब काम में बाधा डालना किसी काम में अड़चन डालना तो क्या होगा डिस्टर्ब द वर्क ठीक है नेक्स्ट देखते हैं टू गो टू द होल हॉग मतलब खत्म कर देना यानी कि एक तरह से कंप्लीट करना क्या टू डू कंप्लीट यहाँ मैंने फिनिश नहीं है टू डू कंप्लीट ठीक है फिर से देख लीजिए टू गो टू द होल हॉग यानी सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट कर देना ठीक है नेक्स्ट टाइम एंड टाइड यानी कि समय चक्र उन्हें कहता है ये समय समय की बात है समय का पहिया घूम के यानी कि कोर्स ऑफ टाइम ठीक है अगर आपको ईडियम फ्रेसेस बहुत अच्छी तरह से सीखने हैं तो आप इन्हें अपनी डेली बोलचाल में आम बोलचाल में यूज़ करा कीजिए कुछ लोग हंसेंगे कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे उड़ाने दीजिए आपको क्या होगा आपको नॉलेज मिल रही है धीरे धीरे जो आपके ऊपर हंस रहे होंगे वो फिर आपके पीछे आपकी तारीफ़ नहीं लेंगे अरे वो तो बहुत अच्छा जानकार है उसे इसे तो बॉच इंग्लिश आती है तो यही होता है तो आपको हंसने दीजिए लेकिन आपको आएगा ठीक है तो आप इसे डेली यूज़ में लीजिए नेक्स्ट है हमारा द लॉन्ग एंड शॉर्ट यानी कि संक्षेप में ठीक है द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ यानी कि इन ब्रीफ नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थ्रू थिक एंड थिन मतलब क्या होता है सभी परिस्थितियों में थ्रू थिक एंड थिन मतलब सभी परिस्थितियों में सभी सिचुएशंस में तो क्या होगा इसका इन गुड एंड बैड टाइम्स मतलब हर 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 परिस्थिति में आपके साथ रहने वाला ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थ्रू कोल्ड एंड वाटर थ्रू कोल्ड एंड वाटर अपॉन मतलब हथो किसी ने किसी से मतलब डिस्करेज कर देना देखिए ये भाई भी टू डिस्करेज ठीक है नेक्स्ट थ्रो डाउन द गॉलेट मतलब तो चैलेंज करना फिर से देख थ्रो डाउन द गलेट मतलब चैलेंज करना टू चैलेंज ठीक है टू चैलेंज नेक्स्ट टू थे पूरी ताकत लगा दी टू नाइन पूरी एडी चोटी का जोर लगा दिया एडी चोटी का जोर तो क्या हो जाएगा इसका टू वॉलेंटली ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रू टू वंस सॉल्ट मतलब क्या होता है वफादार यानी कि नमक हलाल वंस सॉल्ट यानी कि नमक हलाल लॉयल पर्सन ठीक है कैसा पर्सन लॉयल होता है जो नेक्स्ट हमारा डीफ ईयर टू मतलब अगर हम लोग कोई बात करते हैं ना तो हम लोग अनसुना कर देते हैं कुछ लोग अनसुना करते हैं हमारी बात को तो डीफ ईयर टू मतलब अनसुनी कर देना किसी को अटेंशन ही ना देना नॉट टू पे अटेंशन टू ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब होता है स्वीकार करना लेकिन शंका के साथ मतलब किसी चीज़ को हम लोग स्वीकार तो कर लेते हैं लेकिन कैसे एक शक बना रहता है मन में एक शंका रहती है तो वो ये विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट टू एक्सेप्ट विद मिस गिविंग एक्सेप्ट कर लिया लेकिन अभी भी, भी शंका है ठीक है शक है विद वंस अकॉर्डिंग इन वंस वॉइस मतलब एक स्वर में यूनानी मसली यूनानी मसली मतलब हम लोग जो भी मतलब कुछ डिसीजन है ना कि यूनानी मछली होते मतलब सब ने एक स्वर में कह दिया हाँ मैं करूँगा या फिर नहीं मैं नहीं करूँगा तो टू वंस विद वंस अकॉर्डिंग वन वॉइस ठीक है नेक्स्ट देखते हैं बोल्फ इन शीप्स तो आप जानते ही है, मतलब शेर की खाल में भेड़िया मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी ठीक है तो क्या होगा ए मेलिकुलस पर्सन इन हार्मलेस और बैनोवलिन डिजाइस ठीक है नेक्स्ट वर्ड फॉरवर्ड यानी शब्दशाह मतलब क्या हुआ उसका इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड मतलब वर्ड ऑफ फॉर वर्ड मतलब होता है जैसे कि जो भी आपने सेम वर्ड में बोला ठीक है अब वर्ड वर्ड ऑफ मतलब होता है अनौपचारिक वार्तालाप ठीक है अनौपचारिक वार्तालाप इसकी इंग्लिश देखते हैं जो आएगी पे एग्जाम में इनफॉर्मल एंड कम्युनिकेशन इनफॉर्मल इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन ठीक है सकते हैं यो मैन सर्विस मतलब होता है एक्सलेंट वर्क अच्छा देख लो यो मैन सर्विस देखो एक्सलेंट वर्क बहुत ही अच्छा काम ठीक है ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सीम हुए ठीक है यही आएंगे कुछ नया नहीं आता है नेक्स्ट देखते हैं हमारा टू क्रो ओवर टू क्रो ओवर किसी पर गर्व करना टू क्रो ओवर टू ट्राइव ओवर समवन किसी पर नेक्स्ट हमारा टू ब्लो ए फ्यूज मतलब किसी का फ्यूज ब्लो कर देना ठीक है टू ब्लो ए फ्यूज मतलब किसी को नाराज करना टू टर्न समी ठीक है टेक योर मेडिसिन टेक योर मेडिसिन गलत कामों का परिणाम सहना क्या हुआ इसका टू टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समथिंग यू हैव डन रॉन्ग मतलब तुमने जो भी गलत किया है मैंने लगता था टेक योर ओन मेडिसिन अब अपनी दवा भी तुम्हें कड़वी लग रही है अब पता चला कितनी कड़वी दवा आती है इसी टाइप की चीज़ है ये मतलब हमने जो बुरे काम किया उसका हमारे सामने रिजल्ट आ रहा है प्रभाव पड़ रहा है ठीक है टू इन द लक किसी को परेशानी में छोड़ देना ठीक है टू डेजर्ट डिफिकल्टीज किसी को उसकी परेशानी में छोड़कर चले जाना बुरे वक्त में साथ ना देना टू ज्वाइंट फोर्सेज मतलब एक हो जाना यानी कि जॉइंट टुगेदर बिकम यूनाइटेड ठीक है नेक्स्ट यहां देखते हैं वेदर द स्टॉम मतलब होता है मुकाबला कर सुरक्षित बाहर निकलना यानी कि सर्वाइव बाय कमिंग आउट ऑफ डिफिकल्टीज ठीक है नेक्स्ट देखते हैं वेल टू डू संभ्रांत मतलब एफ्लुएंट वेल well ब्लैंकेट मतलब होता है मज़ा करक्रा करने वाला ठीक है वेट ब्लैंकेट नहीं एक तरह से गीला लगे मज़ा किक्रा कर दिया बिल्कुल हमारा तो क्या हो जाएगा इसका इसका ज़िए हो जाएगा वन हु स्पॉयल द एन्जॉयमेंट यहाँ पर एन्जॉयमेंट होगा क्या होगा एन्जॉयमेंट पूरा मज़ा ही किकर दिया वेट ब्लैंकेट याद रखिएगा जो आपको ना आ रहा है नोट लीजिए फिर स्क्रीन शॉट लीजिए ठीक है या फिर वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा चाहे भले ही स्पीड में देखिए एग्जाम टाइम जरूर ये सारे वीडियो दोबारा देख लीजिएगा स wheels wheels, मतलब जटिल कार और जटिल मतलब एक तो काम पहले से तो टफ था और टफ कर दिया ठीक है अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग तो पहला आप क्वेश्चन हमारा एट द इलेवेंथ ऑवर इसका ऑप्शन पहला टू बी टू बी वेल इन टाइम या फिर टू टू थिंग्स एट इलेवन ओ क्लॉक या फिर टू बी लेजी बाई टेम्परेमेंट या फिर टू टू थिंग्स एट द लास्ट मोमेंट तो एट द एलेवंथ हमारे मिस होता है टू टू थिंग्स एट द लास्ट मोमेंट मिलो एकदम निक ऑफ टाइम मिलूँ लास्ट में जाकर करना कोई काम मेरे को टाइम नहीं है तब जाकर हम भड़ा भड़ा आ रहे हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लॉन्ग रन सेकेंड हमारा क्वेश्चन क्या है लॉन्ग रन लॉन्ग रन मतलब होता है आफ्टर रनिंग एट एथलेटिक रेस मतलब रेसिंग कर रहे हैं या फिर विद गॉड्स हेल्प या फिर आफ्टर मच हार्डवर्क यानी काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं या फिर इवेंचुअली तो लॉन्ग रन मतलब होता है इवेंचुअली यानी कि अंततः यानी कि नहीं इन एंड हमें क्या मिला अंततः तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टू कॉल ए स्पीड ए स्पेड टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड अब इसका मतलब क्या हुआ टू बी बायस्ड यानी कि बाय हो जाना टू बी इम्पार्शियल वही वन इम्पार्शियल हो जाना टू बी बीपोक्राइट हिपोक्राइट मतलब होता है एक तरह से जिस एक तरह से भेषिया दुभैषिया मतलब दो तरह की बातें करने वाला इंसान ठीक है और नेक्स्ट क्या इसका ऑप्शन टू बी फ्रैंक तो टू कॉल स्पीड स्पीड मतलब होता है टू बी फ्रैंक मतलब एकदम से फ्री का एकदम सब कुछ सच सच बोल देता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टू प्ले हावर्क विद टू प्ले हावर्क मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है एक तरह से सब कुछ बर्बाद कर देना ठीक है टू रूइंग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हर क्यूलियन टास्क हर क्यूलियन टास्क ए गुड कॉन्टेस्ट ए डिफिकल्ट थिंग्स हर इट जॉब या फिर इट डिफिकल्ट थिंग ठीक है दोनों जगह डिफिकल्ट थिंग डिफिकल्ट थिंग है इसका मतलब हुआ कि मतलब हर कुलिन मतलब नहीं हर क्यूलिन का देवता था तो कैसा काम होगा बहुत टफ काम होगा डिफिकल्ट काम होगा तो डिफिकल्ट थिंग दोनों ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं इसके ठीक है मिसप्रिंट है थोड़ा तो सीमा इज ए लिटल बॉड ऑफ एयरिंग मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिटिल ऑफ बॉल्ड ऑफ ए हयरिंग अब बॉल्ड ऑफ हेयरिंग का मतलब क्या हुआ तो इनऑडिबल मतलब जैसे सुनाई ना दे जो सुनने लायक ना ठीक है आवाज़ नहीं रही डिस इंटरेस्टेड जो इंटरेस्टेड ना हो इंसेंसिटिव जो काफ़ी मतलब इंसेंसिटिव हो और डीफ मतलब बहरा तो बाल्ड ऑफ हियरिंग मतलब होता तो बहरा ठीक है तो सीमा कैसे थी थोड़ी सी बहरी थी नेक्स्ट ए बोन ऑफ कंटेंशन ये तो आप जानते हैं कूफ ए मैटर ऑफ डिस्प्यूट है कि झगड़े की जड़ ठीक है नेक्स्ट टू गिव करेंसी मतलब किसी को टू गि करेंसी तो इससे क्या होगा टू मेक पब्लिकली नोन या फिर फिर टू ऑरिजिनेट या फिर टू बेस्ट टू इंपॉर्टेंस तो क्या होगा इसका इसका होगा टू मेक पब्लिकली नोन यानी कि ऐसा जो सब जान जाए ठीक पूरी पब्लिकली जान जाए ऐसा काम करना एप्पल ऑफ द आई ये भी आप जानते हैं खूब अच्छे रह से एप्पल ऑफ द आई के मतलब होता डियरली मतलब आंखों का एक तरह से वंस इन ए ब्लू मून

टू वर्ड समथिंग अपने नियंत्रण में कर लेना ठीक है तो ये हमारा पूरा हुआ ई टी फ्रेजेस का पार्ट और आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ये हम सीरीज कंटिन्यू रखेंगे ईटम फ्रेजेस लाएंगे वन वर्ड्स लाएंगे और इंटरनेस एनर्ज लाएंगे ठीक है धन्यवाद